एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे मॉर्निंग। मैं आज का ब्लॉग ही आज डाल रही हूँ। सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं। मैं नहा के आ गई जस्ट, और यहाँ पे मैं थोड़ा अपना डेली मेकअप जो है वो हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, ये मेरी डेली ब्लॉग की चैनल है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं अपना डेली जो मॉइस्चराइज़र होता है, मैं गार्नियर लाइट का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मैं अपना मॉइस्चराइज़र यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये अभी अभी मैं नहा के आई हूँ, तो ये मैं रेगुलर जो घर पर जितना भी मेकअप लेते हैं ना रेगुलर, वही मेकअप में हो रही हूँ इधर। तो ये गार्नियर का है, ये है गार्नियर का लाइट मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पाउडर भी अप्लाई करूँगी। ये देखिए, ये एनचांटर के पाउडर है, एनचांटर की पाउडर है। मैं थोड़ा सा ये घर पे अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा ही अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा नहीं। थोड़ा फ्रेश फील होता है सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके, थोड़ा फ्रेश अच्छे से फील होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अच्छे से लगा रही हूँ अपने चेहरे पर, ये देखिए। तो ऐसे ही मैं अपना रोज़ नहा धो के ऐसे ही थोड़ा सा मेकअप होती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी, और थोड़ा अच्छा लगता है। और आज का जो वेदर है बेंगलोर में, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है। धूप आज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ठंडा ठंडा फील हो रहा है। इतना ठंडा लग रहा है कि गर्म पानी से मैं रोज़ नहाती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी से यहाँ पर नहाओगे तो सर्दी पकड़ लेगी, क्योंकि धूप बिल्कुल ही नहीं है। बहुत दिनों से, 4-5 दिन हो गए, धूप बिल्कुल ही नहीं आ रही है, बहुत ही ठंडा लग रहा है। इसलिए मैं गर्म पानी से ही नहा लेती हूँ, ताकि, और गर्म पानी भी थोड़ा सुबह सुबह मैं पी लेती हूँ, ताकि जो सर्दी है वो ना पकड़े। आजकल तो जैसे कोरोना का टाइम है, तो ऐसे अच्छे से गर्म पानी थोड़ा पीना पड़ता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा पाउडर अप्लाई कर लिया है, और अभी मैं थोड़ा सिंदूर लगा लूँगी। मैं यहाँ पे लिक्विड सिंदूर जो मिलता है ना, लिक्विड वाला सिंदूर, वही सिंदूर मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं पाउडर सिंदूर यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरून कलर की लिक्विड लैक्मी का जो आता है लिक्विड सिंदूर, मैं वही वाला सिंदूर यहाँ पे लगा रही हूँ। मैं बस माथे पे लगा देती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ तो बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, घर पे इतना बिंदी नहीं लगाती मैं, बस सिंदूर का लगा लेती हूँ सिंदूर का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वैसलिन अप्लाई कर रही हूँ अपनी लिप्स पे, थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो ड्राई हो जाते हैं लिप्स। तो लिप्स पे थोड़ा वैसलिन अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मेरा ऐसे ही डेली में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मेकअप हो जाती हूँ घर पे नहाने के बाद, तो अच्छा सा फील होता है। तो अभी मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। मेरा नहाने के बाद पूजा मैं शुरू करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है फूल ला के रख दिया है भगवान जी के लिए, तो मैं अभी जाऊँगी थोड़ा फूल लेके लगा के अच्छे से। यहाँ पे ज़्यादा फूल नहीं मिलते हैं, जितना मिलते हैं उतना लगा के मैं पूजा कर लूँगी। तो चलिए पूजा घर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं भगवान जी की पूजा ऐसे कर लेती हूँ नहाने के बाद, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा मंत्र बोल के थोड़ा सा मैं पूजा ऐसे ही कर लेती हूँ। बाहर भी मेरी तुलसी का एक पौधा रखा है, तो तुलसी का पूजा और घर पे ऐसे भगवान जी का पूजा मैं नहाने के बाद कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने एक कपड़े जो होते हैं रेगुलर यूज़ के कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, तो बेडशीट के बचे थे मैंने ऐसे मशीन में डाल दिया है। तो नहाने के बाद कपड़े जो हमारे होते हैं रेगुलर यूज़, इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। 2-4 दिन का रुक जाता है, तो वो मैं अच्छे से वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। देखिए, मैंने डाल दिया है।
तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज मैं एक नारियल का सब्जी बना रही हूँ और इसलिए मैंने नारियल को कद्दूकस यहाँ पे कर रही हूँ। जो नारियल बड़े की सब्जी होती है वो आज मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए जो नारियल है सूखी नारियल इसको मैं कद्दूकस पहले कर लेती हूँ, फिर उसको उसके साथ में बेसन मिला के उसको फ्राई करूँगी और उसकी सब्जी बनाऊँगी। तो देखिए मैं अच्छे से इसको कद्दूकस अभी कर रही हूँ ताकि नारियल जो है वो एकदम बड़ा बड़ा सा ना रहे। कद्दूकस कर रही हूँ, देखिए चावल यहाँ पे मैंने बिठा दिया है। आज मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ, ऐसे जो छोटे वाले बैंगन मिलते हैं ना उसका भरता मैं बनाने वाली हूँ। इसको मैं जला के भरता बनाने वाली हूँ छोटे वाले। तो यहाँ पे मैं जला रही हूँ, देखिए एकदम जल गया है। इस तरह के मैं जला के बनाने वाली हूँ आज। और इसके बाद मैं आज बना रही हूँ एक नारियल की सब्जी, नारियल की बड़े की सब्जी। इसलिए मैंने नारियल को देखिए कद्दूकस कर लिया ऐसे, उस इसमें थोड़ा बेसन मिला के इसको फ्राई करूँगी, फिर ये नारियल की ग्रेवी जैसे बनता है ना ग्रेवी वैसे बनाऊँगी। तो अभी चावल तो मेरा लगभग हो गया है, फिर इसकी हम तैयारी करेंगे ग्रेवी की। तो ये मेरा आज थर्सडे का लंच है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने नारियल जो कद्दूकस किया था उसको मैंने ले लिया है और उसमें मैं अभी थोड़ा डालूँगी बेसन। ये बेसन जो रखा हुआ था वो बेसन थोड़ा सा लगभग 2-4 चम्मच नारियल के हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें बेसन डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पे 4 चम्मच यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ। उसके बाद जो मसाले रहते हैं हमारे वो सारे मसाले भी हम डाल देंगे। अभी मैं मसाले के सारे डिब्बे निकाल रही हूँ, कौन कौन सा मसाले मैं डालूँगी वो सब कुछ डिब्बे में निकाल रही हूँ। देखिए पहले यह धनिया पाउडर, मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर यहाँ पर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर के बाद मैंने लाल मिर्च डाल दिया है। अभी मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ, देखिए लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक डाल दूँगी मैं इधर। नमक मैंने लगभग थोड़ा सा डाल दिया है। अभी इसको हम अच्छे से मिलाएँगे। देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से इसको मिला रही हूँ, उसके बाद इसको हम बड़े की शेप में दे देंगे। थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ, अगर सूखा लगे तो थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिलाएंगे ताकि सारे मसाले नारियल के अंदर चला जाए और बेसन सब अच्छे से चला जाए और हमारा बड़े जो है वो अच्छे से बनेगा। इसलिए मैं अच्छे से मिला रही हूँ सबको और इसको बड़े की शेप में मैं कर दूँगी। मिलाने के बाद बड़े की जैसे शेप रहते हैं वैसे मैं दे दूँगी। देखिए मैं अच्छे से मिला रही हूँ, मेरा मसाला देखिए अच्छे से मिल गया है, कितना अच्छा कलर इसका आ गया है देखिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा ऑयल ले रही हूँ कढ़ाई में, जो बड़े मैंने बना के रख लिया है इसको थोड़ा मैं फ्राई करूँगी, इसलिए मैं कढ़ाई में थोड़ा ले रही हूँ ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने के लिए देंगे, उसके बाद जो बड़े मैंने बनाया है जो शेप में आप देख सकते हो साइड पे, उसको मैं तलूँगी, उसको थोड़ा तल के रख देंगे। देखिए मेरा बड़े इसी शेप में आप रख दें बना देंगे, बड़े के शेप में हम दे देंगे इसको और इसको हम अभी फ्राई करेंगे। लगभग मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, देखिए मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए मेरा अच्छे से पक रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बड़े अच्छे से तल रही हूँ, देखिए इसी टेक्सचर में आ गया है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छे से बड़ा दिख रहा है, इसका टेक्सचर देखिए। तो ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको बड़े को तलेंगे। देखिए मैं बाकी बड़े भी तल रही हूँ इधर से। अभी मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा जीरा डालेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन प्याज और टमाटर को मिला के मैंने एक पेस्ट बनाया था, वही पेस्ट को हम डाल देंगे। इसकी जो पेस्ट है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, पेस्ट को अच्छे से मैंने डाल दिया है। अभी इस जार में जो मसाले थोड़ा लगे हैं तो उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको भी हम डाल देंगे। तो
तो इसका जो रॉ स्मेल है मसाले का वो जाने तक हम इसको भूनेंगे। एक बार रॉ स्मेल चला जाएगा तो हम वहाँ पे सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मसाले को अच्छे से मिला रही हूँ जीरा के साथ, ताकि उसका जो कच्चा स्मेल आता है वो चला जाए। मैं यहाँ पे थोड़ी पानी ले रही हूँ। पानी को मैं क्या करूँगी, वो मसाले की जार में ना डाल दूँगी, ताकि जार में जो मसाला लगा है वो सब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर दूँगी, उसको फेंकूँगी नहीं। देखिए मैं जो जो मसाले लगे थे मैं इसको पानी में मिला के मैंने डाल दिया है। अभी उसमें हम जो जो सूखे मसाले रहते हैं वो भी ऐड करेंगे, लेकिन इसका जो कच्चा स्मेल है वो थोड़ा जाएगा। उसके बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये नारियल पड़ी की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे मेरे बड़े भी सारे तल के मैंने उस साइड में रख लिया है। वहाँ पे मैंने बैंगन की भरता के लिए बैंगन भी जला के रख लिया है। यहाँ पे मैं ग्रेवी में हल्दी पाउडर डाला, मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद मैं ला रही हूँ धनिया पाउडर। देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर भी मैंने अच्छे से डाल दिया है। अब इस पर थोड़ा सा जाएगा जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। सारे जो सूखे मसाले होते हैं वो भी आप डाल सकते हो, थोड़ा कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर। देखिए यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर भी डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अब देखिए मेरा ग्रेवी जो है वो पक रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा टमाटो भी डाल दिया है। अभी सारे मसाले को अच्छे से भूनेंगे, ताकि वो हमारा अच्छे से बन जाए। सारे मसाले से ऑयल निकलने तक हम उसको पकाएंगे। देखिए अभी मैंने, तो फ्रेंड्स ये देखिए नारियल बड़े की सब्जी बिल्कुल तैयार है। मैंने ये ग्रेवी में बड़े को डाल दिया है, इसको थोड़ी देर उबालेंगे फिर हमारा नारियल बड़े की सब्जी तैयार। तो ये मैं हमारा लंच है आज का, नारियल बड़े की ये सब्जी है। यहाँ पर देखिए राइस है, और यहाँ पर दाल अरहर की दाल है ये, और बैंगन का भरता। देखिए बैंगन का भरता, तो ये आज हमारा लंच है। तो हम लंच कर लेते हैं, और मैंने कपड़े तो धो लिए थे, आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो गया है, तो मैं आ गई हूँ अभी जो कपड़े मैंने धो के रखा था उसको सुखाने के लिए आ गई हूँ। ये हमारा बालकोनी है, यहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, लेकिन ये कवर्ड है और यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो बेंगलोर का क्लाइमेट ऐसे ही है, 4-5 दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं है, और कपड़े सूखने को भी 2-4 दिन का टाइम लगता है। इसलिए मैंने अच्छे से स्पिन कर लिया है उसको मशीन में, ताकि वो जल्दी से जल्द सब सारे कपड़े सूख जाए। तो इसी बात की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्लाइमेट इतना ठंडा है कि कुछ भी नहीं सूख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इसी तरह से नई नई वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।